हेलो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट और दोस्तों के कमेंट के कारण लेके आया हूँ आज मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर ये वीडियो। इससे पहले मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक के रूप में कैसे इस फिगर को समझाया है वो सब आपको मैं बता चुका हूँ कैसे यूज होता है इसका। ठीक है दोस्तों, अब लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो केवल एसी करंट पर ही कार्य करता है, ये डीसी करंट पर कभी भी वर्क नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है, वोल्टेज को, जो एसी वोल्टेज जो हम घरों में यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसको कम करने में अथवा बढ़ाने के लिए कार्य में लिया जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के एसी धारा को परिवर्तित करने के काम आते हैं, डीसी धारा को नहीं। यानी कि ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा में। ठीक है दोस्तों, अब आगे है अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, दो प्रकार का है, अपचाई और उच्चाई। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है? जिन ट्रांसफार्मर का उपयोग कम विभव या नीचे विभव, मतलब कम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यानी कि कहीं पर वोल्टेज आ रहे हैं 120 150, हमारी रिक्वायर्ड है 240 220 वोल्टेज, तो हम वहाँ पर कैसा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, याद रखना अपचाई ट्रांसफार्मर। हाँ जी हाँ, पेपर में कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ कर ही दें आप। ध्यान रखिएगा, पेपर में खाली क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ तो करके ही आना है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाता हूँ। अब आइए अगला आता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। जिन ट्रांसफार्मर का उपयोग ऊंचे विभव को कम करने, यानी कि हाई वोल्टेज को कम करने में करते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, उच्चाई यानी कि उच्च विभव को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, पेपर में आप छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, एग्जामर क्या करेगा, खाली छोड़ोगे पेज को काट दे, कुछ नहीं देगा, इससे अच्छा कुछ करके आइए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर का एक फिगर बनाया, ये क्या है, ये लोहे की क्रोड़ हैं, लोहे की पत्तियाँ हैं। ठीक है, क्रोड़ बोलते हैं। ये क्यों लगाई जाती हैं? जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर में एडी करंट यानी कि भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, भंवर धाराओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे के क्रोड़ लगाते हैं। ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, ये क्या है, सेकेंडरी कुंडली। इसको हम लिख सकते हैं S1, इसको S2। प्राथमिक कुंडली में AC मेंस लगा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी कुंडली में हम अल्टरनेटिंग करंट, ये देखिए ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट AC करंट का। ठीक है दोस्तों, AC मेंस, जैसे हम यहाँ से AC करंट देते हैं तो हमें AC मेंस पर हमें विभव प्राप्त होता है, जैसे हमारी रिक्वायर्ड है कम या ज़्यादा वो उसी हिसाब से हमें प्राप्त होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर का ये चित्र है, यानी कि उच्चाई में क्या होगा, हाई वोल्टेज यहाँ से देंगे तो हमें प्राइमरी में AC मेंस में क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर ये है उच्चाई की कुंडली, देखिए प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कुंडली कैसी है, इसमें कम, इसमें तांबे यानी कॉपर की बाइंडिंग कम दी गई है। ये देखिए कॉपर, ये जो है ऐसे इस तरह से स्प्रिंग टाइप में जो सिंबल हैं, ये कुंडली कहते हैं इसको, प्राथमिक कुंडली एक है, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में कम और सेकेंडरी कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, ये बीच में क्या है, ये क्रोड़ है, क्रोड़ लोहे की पत्ती जो इधर है, यही है। प्राथमिक कुंडली में आप देख सकते हैं, इसमें उपचाई ट्रांसफार्मर की में, इसमें प्राथमिक में अधिक फेरे व सेकेंडरी में कम फेरे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा ही होता है, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर का जस्ट उल्टा ही होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।